प्यारे बच्चों और यहां बैठे सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आप जो चीज अपने जीवन में करते हैं वही आपको लौट करके मिलता है। आपके जीवन की बहुत बड़ी कमाई होती है आप जीवन में जो दूसरे के जीवन में बोते हैं। इस बात को सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। आप अपने जीवन में जैसे भी जिए, लेकिन आप जो दूसरे के जीवन में, फिर से सुने, आप जो दूसरे के जीवन में बोते हैं अपने जीवन में काटते हैं। आप दूसरे के जीवन में जो बोते हैं अपने जीवन में वही फसल आप काटते हैं। अभी आपने क्या बोया है, बगल में धान लगा है, बगल में भुट्टा लगा है, काटते समय आप तिल और अरहर काटेंगे क्या? भुट्टा काटेंगे और धान काटेंगे ना कि गेहूं तिल अरहर काटेंगे? यदि आपने दूसरे के जीवन में प्रेम का बीज रोपित किया है तो आप अपने जीवन में प्रेम का फसल काटेंगे। यदि आप दूसरे के जीवन में करुणा का बीज रोपित किया है, आदर और सम्मान और सत्कार का बीज रोपित किए हैं, तो अपने जीवन में भी करुणा का बीज और आदर और सम्मान और सत्कार का बीज काटेंगे, फल फसल काटेंगे। आप कौन सा बीज रोपे हैं? आप अपने खेतों में देखते हैं कि आप फसल लगाते चले जा रहे हैं, फसल लगाते चले जा रहे हैं, पैदावार अच्छी नहीं हो रही है, आप दूसरा फसल काटना चाहते हैं, तो क्या करते हैं आप? पानी को बदलते हैं, फसल बदल जाता है? पानी बदलने से फसल नहीं बदलता, खेत बदलने से फसल नहीं बदलता। आप क्या करते हैं? बीज को बदल देते हैं, बीज को बदल देते हैं, अच्छे नस्ल के बीज डालते हैं, अच्छे नस्ल के खेती करते हैं, अच्छे नस्ल के पौधे लाते हैं और उसमें डालते हैं, तो अच्छे फसल आप काटते हैं। आपके जीवन में प्रेम का फसल चाहिए, करुणा का फसल चाहिए, सम्मान का फसल चाहिए, इंसानियत का फसल चाहिए, तो दूसरे के जीवन में वही बोना शुरू कर दीजिए। आप कौन सा फसल बोए हैं अभी तक? कितने लोगों को आपने सम्मान दिया है? हम चाहते तो है सम्मान, हमने कितने को सम्मान दिया है? कितने को सम्मान दिया है? हम चाहते हैं प्रेम का वर्ताव, हम कितने के साथ प्रेम का वर्ताव किए हैं? हम कितने कटु बोलते हैं वही कटु तो हमको मिलेगी ना। हमने कटुता का फसल बोया है तो कटुता का बीज बोया है तो कटुता का ही फसल काटेंगे। अब क्या करना है? बुढ़ापा सुखद चाहिए तो अब कटुता का फसल नहीं बोलना है, अहंकार का फसल नहीं, अहंकार का बीज नहीं बोना है, अहंकार का बीज रोपित नहीं करना है, कटु का बीज रोपित नहीं करना है, घृणा का बीज रोपित नहीं करना है, मीठे वाणी का बीज रोपित करना है, प्रेम का बीज रोपित करना है, दया और क्षमा का बीज रोपित करना है, आदर और सम्मान और सत्कार और प्रेम का बीज रोपित करते चले जाना है। आपको वही फसल काटने को मिलेगा। आपने कौन से बीज रोपा है? आज आपको यदि तकलीफ मिल रहा है तो वो आपकी जीवन की कमाई है, आपने कहीं ना कहीं वो बीज रोपा है, वही आप फसल आज काट रहे हैं। दूसरे को दोष मत दो, दूसरे को दोष देने का हक नहीं है आपको। आप आज आपको जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है आपके करनी का फल है, आपके करनी का फल है। यदि आज दुख मिल रहा है तो दुख हमने बोया है तब हम दुख का फसल काट रहे हैं। मैं एक चीज कहूं, हमको वो नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, हमको वो नहीं मिलता है जो हम सोचते हैं, हमको वो नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं वो हमको नहीं मिलता है। ध्यान मेरी तरफ दे, हमको क्या मिलता है? हमको वो मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। फिर से मेरी बात समझे आप एक बार, हमको वो नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, हम सोचते हैं, हमको वो मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। कैसे बताऊं मैं? सभी लोग चाहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, सभी लोग चाहते हैं कि मैं अफसर बन जाऊं, खूब पैसा कमाऊं, लेकिन सब लोग अफसर नहीं बनते हैं, सब लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलती है, सब लोग को वो चीज नहीं मिलती है। किनको मिलती है? जो व्यक्ति उस योग्य होते हैं उनको सरकारी नौकरियां मिलती है। जो व्यक्ति उस योग्य होते हैं वो पैसा कमाते हैं,
दुनिया में बहुत से हर दुनिया में शादी विवाह हो जाने के बाद हर माँ बाप चाहते हैं कि हम लोग माता और पिता बन जाए, लेकिन सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो कि कुछ माँ के बच्चे कुछ माँ के कोख में बच्चा ही नहीं आता, क्योंकि उसकी योग्य ही नहीं है वो। कहीं ना कहीं उनके जीवन में कमी है, कहीं ना कहीं उनके शारीरिक कमी है, इसलिए उनके जीवन में उनके कोख में बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है। तो हमको क्या मिलता है? जिसके हम योग्य होते हैं वही हमको मिलता है, इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाओ सभी लोग। मैंने कहा बुढ़ापा सुखद बनाइए, और मैंने ये भी कहा कि हमको वही मिलता है जो हम करते हैं। फिर से कहूं मैं, आप अपने माता पिता को यहाँ बैठे सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने माता पिता को इतना बुढ़ापों के लिए बूढ़े लोगों के लिए मैंने बताया कि वाणी में मिठास हो, खाने पीने में अच्छाई हो, जीवन में प्रेम हो, जीवन में सरलता और सहजता हो, लेकिन आने वाले अभी वर्तमान में जो यंग पीढ़ी है उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप बुढ़ापा सुखद चाहते हैं आप भी, तो आपके घर में वृद्धों को सम्मान देना शुरू कर दीजिए आज। आपके घर में वृद्धों को तिरस्कृत मत करिए, आपके घर में वृद्धों को सम्मान दीजिए, माता पिता के माता पिता के चरणों में मत्था टेकिए, माता पिता को हार चढ़ाइए, माता पिता के गले में हार चढ़ाइए, माता पिता की आरती उतार लिया करे, यही असली देवी देवता है। आप लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माता पिता को कभी तिरस्कृत मत करना, वो सौभाग्यशाली पुत्र होगा जो अपने माँ बाप की कहा मानता होगा, वो सौभाग्यशाली पुत्र है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, वो सौभाग्यशाली पुत्र है जो अपने माता पिता का लालन पालन करता है, माता पिता का सम्मान करता है। यदि आज आप ये करते हैं तो कल आपके साथ आपके बहु बेटे आएंगे, आपके साथ भी वही होगा। यदि आज अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पाते हैं, माता पिता को सही भोजन नहीं दे पाते हैं, माता पिता की पूजा और आरती नहीं कर पाते हैं, कल आपके बच्चे भी आपके साथ वैसे बर्ताव करेंगे। तब ये मत कहना कि मेरे बच्चे मेरे कहा नहीं मानते हैं, ये मत कहना कि मेरे बच्चे मेरे अंकुश में नहीं आए, ये मत कहना कि मेरे बच्चे गलत दिशा में चले गए हैं, आप इसके जिम्मेदार होंगे तब। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने बच्चों को अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाइए, और अपने माता पिता को सम्मान करना मत भूलिए। आपको एक चीज बताऊं मैं, जब बुढ़ापे की अवस्था आती है, जर्जरता की अवस्था आती है, तो माता पिता को आपका धन द्रव्य नहीं चाहिए, आपके बंगले नहीं चाहिए, आपके मकान नहीं चाहिए, आपकी गाड़ी नहीं चाहिए, आपके घोड़े नहीं चाहिए, आपके धन दौलत नहीं चाहिए, आपके आपके माँ बाप को बुढ़ापे में आपके माता पिता को आपका सिर्फ सम्मान चाहिए। बुढ़ापे में आपके माता पिता को आपका सिर्फ सम्मान चाहिए। आप घर में आते हैं, कहीं से भी आकर के चरण स्पर्श कर लेते हैं, माता पिता खुश हो जाते हैं। अभी आप लोग थोड़ा शांति से बैठे रहे 10 मिनट, उसके बाद में जो कुछ करेंगे 10 मिनट। आपके बुढ़ापे में आपके माता पिता को आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, आपके बड़े बड़े बंगले नहीं चाहिए, आपके धन दौलत नहीं चाहिए, आपके गाड़ी नहीं चाहिए, आपके घोड़े नहीं चाहिए, बल्कि माता पिता को बुढ़ापा में आपका सिर्फ सिर्फ सम्मान चाहिए। क्या आप अपने माता पिता को सम्मान दे पाते हैं? माता पिता आपकी धन की लड़ाई नहीं करेंगे, माता पिता को आप सिर्फ सम्मान दीजिए। आप कहीं भी जाते हैं तो चरण स्पर्श करके जाइए, और रोज कोई नौकरी में है, कोई नौकरी में है, चरण स्पर्श करके जाता है तो नौकरी में जाता है, चरण स्पर्श कर से ऑफिस में ऑफिस से ड्यूटी में जाता है तो उनके आते तक माताएं आह भरती है, पिता आह भरते हैं कि मेरे बच्चे अब आने वाले हैं, मेरे बच्चे आने वाले, उनके आशीर्वाद आपके साथ होता है। बुढ़ापा में माता पिता को आपका धन संपत्ति नहीं, बल्कि बुढ़ापे में कभी कभी आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बुढ़ापे में माता पिता की रोज आप चरण स्पर्श कर लीजिए। बुढ़ापे में माता पिता की कम से कम कभी त्योहारों में कभी कुछ उपलक्ष होता है तो माता पिता की आरती उतार लिया करे, माता पिता की आरती उतार लिया करे, माता पिता के गले में हार चढ़ा लिया करे, माता पिता को कुछ भेंट दे दिया करे, उनकी ही संपत्ति है, उनकी ही संपत्ति को उन्हीं को अर्पित करना है, क्या जाता है हमारा, इसलिए तेरा तुझको सौंपता क्या लागा है, क्या लागे मेरा है। आपका संपत्ति है, मैं आपको ही अर्पित कर रहा हूँ,
जब आप उनके ही गले में हार चढ़ाते हैं, उनके सामने एक दीप प्रज्वलित करके आरती ले लिया करते हैं, उनके चरणों में मत्था टेक लिया करते हैं, कि उनको जीने का संबल मिल जाता है, उनके चेहरे पे मुस्कान बढ़ जाती है, उनको जीने के लिए एक नया टॉनिक मिल जाता है कि आज भी मेरे बच्चे मेरे कहा मानते हैं, आज भी मेरे बच्चे मेरे से प्यार करते हैं, आज भी मेरे बच्चे मेरे को सम्मान देते हैं, मैं धन्य हूँ अपने आप को समझता है, धन्य हूँ मेरे कोख से ऐसा पुत्र पैदा लिया है जो मुझे आज जीने का तरीका बता रहा है, आज मुझे जीने के लिए सहज जीवन मुझे हर चीज की सुविधा उपलब्ध है, आज मैं प्रेम और आनंद का जिंदगी जी रहा हूँ। आपके बच्चे आपके माता पिता ये महसूस करना शुरू कर दे तो आप मानना कि आपके बुढ़ापे में भी आप ये चीज महसूस करेंगे। इसलिए माता पिता को कभी तिरस्कृत मत करना। बड़े बड़े बिल्डिंगे बनते चले जाते हैं, 10 मंजिला 11 मंजिला 12 मंजिला मकान बनता चला जा रहा है, 10-10, 20-20, 30-30, 40-50 कमरे हैं, लेकिन दुर्भाग्य कहो कि सौभाग्य कहो कि उस बड़े बड़े बिल्डिंगों में एक ऐसा कमरा नहीं होता, एक ऐसा जगह नहीं होता है 5 फीट का जगह जहां माता पिता को प्यार। बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया था और बहुत सुंदर मकान बनाया गया था, संतों का वहां स्वागत किया गया, प्रवेश करते समय लिखा गया था मार्बल बिछा हुआ है, सभी तरफ टाइल लगा है, फॉल्सलिंग किया गया है और उसमें लिखा गया है सामने ही गेट पर मकान के ऊपर में मातृ छाया, मकान में लिखा गया है मातृ छाया। जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद संत पूछते हैं घर में कुल कितने सदस्य हैं, पूरे सदस्य की हिस्ट्री बताते हैं, 6 सदस्य हैं। कहते हैं 6 सदस्य में कौन कौन, माता पिता और हम, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। लेकिन कुछ दिन पहले अब हम लोग 5 सदस्य हो गए और हमारे हम लोग बीच में 5 सदस्य रहते हैं, पिताजी गुजर गए। वे बात सुनते हैं, उसके बाद में पूछते हैं कौन कौन है, तुम्हारे बच्चे कौन है, बच्चे सामने बैठे थे ये बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी कौन है, ये पत्नी है बताते हैं, तुम्हारे माँ कौन है। जिस समय माँ कौन है पूछते हैं उसी समय संयोग ऐसा है कि उनकी पत्नी कमरे में चली गई कोई काम से किचन की ओर, उनके घर मालिक बोलता है संत जी महाराज जी मेरी माँ यहाँ नहीं है, मेरी माँ गांव में रहती है। गांव में क्यों रहती है, संत जी पूछते हैं तो सब मकान मालिक बोलता है महाराज जी मेरी माँ के साथ में इनकी पटरी नहीं बैठती है। संत जी समझ जाते हैं कि सास और बहू में पटरी नहीं बैठती है, सास और बहू में पटरी नहीं बैठती है। संत जी समझ जाते हैं और अच्छा से स्वागत सत्कार होता है, अच्छा से मान सम्मान भी करते हैं, अच्छी अच्छी वार्ताएं होती हैं। लेकिन जाते जाते संत जी एक बात कह करके चले जाते हैं, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाह रहा हूं। संत जी कहते हैं, घर के मालकिन कहते हैं क्या बात है महाराज जी, बताइए आप, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। संत जी कहते हैं तुमने जैसे ही घर में प्रवेश करने के पहले घर में एक मकान में ऊपर में लिखा है मातृ छाया, उसको हटा देना। कहे क्यों हटाऊंगा महाराज जी, मैं बता रहा हूँ उसको हटा देना। और कहे संत जी कहते हैं उसको हटा करके वहां पर लिख देना पत्नी छाया लिख देना। घर का मालिक बेचारा संकोच से नीचे सर नीचे कर देते। क्यों कहा संत ने ऐसा, क्योंकि वहां माँ की छाया नहीं है, वहां माँ की छाया नहीं है, माँ कहीं दूर रहती है, माँ से नफरत है, माँ से माँ की बात बहुत सुनना नहीं चाहती है, तो मातृ छाया लिखने से क्या फायदा है। इसलिए संत ने कहा वहां पर पत्नी छाया लिख देना, मातृ छाया हटा देना। कहीं आपके जीवन में भी तो ऐसा नहीं है, जिस माँ बाप ने अपने कोख से बच्चा को पैदा किया और पैदा करके इस योग्य बनाया और इतना सुंदर जीवन का निर्माण किया, अब पत्नी के अंकुश में चलते चलते माँ बाप को अपमान करना शुरू कर दिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, बुढ़ापा सुखद कैसे हो, इस यात्रा की मैंने शुरुआत की है।
और शुरुआत की है तो मैंने बुढ़ापा की यात्रा जन्म से लिया, जन्म लेते हैं उसको संस्कार कैसे देना है, माता पिता का सम्मान कैसे करना है, अब बूढ़े बुजुर्ग हो जाने के बाद अपने जीवन को कैसे जीना है। आजकल मोबाइल का साधन है, मोबाइल में कुछ कुछ संतों का विचार सुनो, भ्रांतियों में मत पड़ो। एक चीज और करना चाहूंगा मैं कि भ्रांतियों में मत पड़ो, अपने जीवन पर अपने कर्मों पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो, पंडितों के जाल पर मत फंसो। सद्गुरु कबीर ने कहा है, सद्गुरु कबीर ने कहा है, कर भैया बल आपनी छाण बिरानी, आज जाके आंगन नदिया पर है क्यों शोकस मरे प्यास। करु भैया बल आपनी छाण बिरानी, आज जाके आंगन नदिया बहे शोकस मरे प्यास। सद्गुरु कबीर साहेब एक विलक्षणा दे करके कह रहे हैं, ए लोगों अपने बाहों बल पर भरोसा रखो, अपने बाहों बल पर, अपने जीवन पर, अपने कर्मों पर, अपने बाहों बल पर भरोसा रखो। छाण बिरानी आस, दुनिया की आशा भरोसा छोड़ दो, कोई साथ देने वाले नहीं है। कब कौन साथ देगा कोई ठिकाना नहीं है। पत्नी अपने दूर हो जाती है, बच्चे ही अपने दूर हो जाते हैं, सब पराये हो जाते हैं, अपने ही दुश्मन लगने लगते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, करु बहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, आओ अपने बाहुबल पर भरोसा रखो और दुनिया की आशा भरोसा छोड़ दो। और दूसरी तीसरी बात कहते हैं, जाके आंगन नदिया बहे शोकस मरे प्यास। जिसके आंगन में नदी बह रही हो वो आदमी प्यासा मरे, कितना विलक्षण बात है। जिसके आंगन में ज्ञान की नदी बह रही हो, ये पूरा प्रकृति हम खुली किताब है, पूरा प्रकृति को पढ़ करके हम जीवन को बदल सकते हैं, अपने ही जीवन को देख करके हम जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं, पूरे समाज को पढ़ सकते हैं कि ये आदमी कैसा दुख पाया, कैसे तकलीफ पाया, मुझे वैसा काम नहीं करना है। ये प्रकृति पूरी खुली किताब है, सबको पढ़े हम सबके जीवन को और जीवन को सही दिशा की ओर ले जाए, जीवन को सही दिशा की ओर ले जाए, अपने बाहों बल पर भरोसा रखे और दूसरे के बाहों बल पर भरोसा मत रखे। बड़ी अद्भुत सी बात है, आदमी को अपने बाहों बल पर भरोसा नहीं है, अपने जीवन पर भरोसा नहीं है, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है, अपने प्रारब्ध पर भरोसा नहीं है, अपने हाथ की कमाई पर भरोसा नहीं है, अपने पढ़ाई लिखाई पर भरोसा नहीं है, आज की टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है, आज की इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है। कैसे भरोसा नहीं है? जब आदमी मकान बनाता है तो छड़ सीमेंट गिट्टी रेत सारे चीज मिक्स करके मकान बनाता है और इंजीनियर को पूछता है कितना एमएम का छड़ डालना है, मिस्त्री से राय लेता है, बहुत सुंदर मकान बनाता है और मकान का नींव भी मजबूत करता है। लेकिन दुर्भाग्य कहूं कि सौभाग्य कहूं, जब मकान बनता है तो मकान बनते बनते मकान के इंजीनियरिंग सब कुछ देख रहा है। मकान बनते तक उनको डर नहीं था, मकान बन गया, खड़ा हो गया, अब मकान के इंजीनियरिंग पर उनको भरोसा नहीं है, मकान के इंजीनियरिंग पर उनको भरोसा नहीं है, मकान में जो इंजीनियरिंग हुआ है, छड़ लगा है, सीमेंट लगा है, उस पर भरोसा नहीं है। भरोसा किस पर होता है बताऊं? मकान के सामने नींबू और मिर्चा कूद करके रख देता है, उस पर भरोसा है, लेकिन मकान के इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है। मकान के सामने नींबू और मिर्चा लगा दिया, मकान कभी टूटेगा नहीं, मकान के अंदर कोई आदमी मरेगा नहीं, मकान के अंदर किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा, मकान के अंदर किसी का तबीयत खराब नहीं होगा, कोई जड़ सुधार नहीं होगा, जड़ बुखार नहीं होगा, किसी की मृत्यु नहीं होगी, कोई चोरी नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। मिर्चा और नींबू लगा है, इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है, टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है, मिर्चा और नींबू पर भरोसा है। एक आदमी जयपुर में एक जगह गए थे तो एक आदमी करीब करीब 80 लाख रुपए का मकान बनाया था, 80 लाख रुपए का मकान बनाया, सुंदर मकान का निर्माण किया और मकान निर्माण करने के बाद पूरा मकान तैयार हो गया और मकान तैयार हो गया तो मकान के ऊपर में एक हंडा लटका दिया था, काला काला हंडी, और उसमें सफेद सफेद का टैटू बना दिया था और एक बगल में एक पुराना टायर को लटका दिया था मकान के ऊपर में। एक संत ने पूछा, ये सब क्यों?
मार्बल बिछा है, फॉल्सिलिंग हुआ है, मकान एकदम इंजीनियरिंग ढंग से बहुत टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, इनमें कोई नुक्स निकालने लायक नहीं है, इतना सुंदर मकान में पुराना टायर क्यों लटका दिया गया है? तो उस बगल के पड़ोसी ने कहा, महाराज जी मकान में टायर और हंडा इसलिए लटकाया गया है ताकि इसमें किसी का नजर मत लगे। संत ने कहा, बहुत अच्छी बात, अरे लटकाना ही था तो नया टायर लटका देते, पुराना टायर लटका दिए। फिर संत क्या कहते हैं, एक काम करना, इस मकान में टायर लटकाने से इस मकान में किसी का नजर नहीं लगेगा, तो उनको चाहिए घर मालिक को बता देना, अपने गले में एक नया टायर लटका देंगे, उनको मौत की नजर नहीं लगेगी, मौत की नजर नहीं लगेगी। कैसा विडंबना है, आदमी की बुद्धि कितनी, टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं, इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है। जब आदमी गाड़ी लेता है तो गाड़ी लेता है तो 80-80 लाख रुपए की गाड़ी लेता है, करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ी लेता है, उन गाड़ी को एक गाड़ी के निर्माण करने पर कई करोड़ रुपया खर्चा होता है प्रथम गाड़ी के निर्माण में, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बनता है, उसकी बॉडी बनता है, उसका पूरा आकार दिया जाता है, तो उसके लिए एक फर्मा तैयार किया जाता है और फर्मा तैयार करने में कई करोड़ रुपया लग जाता है, उसको टेस्टिंग किया जाता है, कहीं फैल तो नहीं हो रहा है, बार बार चेकअप किया जाता है गाड़ी का, बार बार चेकअप किया जाता है गाड़ी का, बनते समय कोई फॉल्ट तो नहीं आएगा, कुछ एक्सीडेंट तो नहीं होगा, आप ही आपको कुछ रिस्क नहीं आएगा, बार बार उस गाड़ी के इंजीनियरिंग करते समय कई बार चेक किया जाता है। एक गाड़ी के निर्माण करने में कई करोड़ रुपया लगता है, जब वही गाड़ी का फर्मा बनता है तो फिर आसानी से कई गाड़ियां तैयार होती है। जब आदमी गाड़ी लेता है तो कई लाख रुपए की गाड़ी लेता है, उसकी इंजीनियरिंग पर, उसकी टेक्नोलॉजी पर, उसके वैज्ञानिक द्वारा किए हुए कर्मों पर भरोसा नहीं होता है। किस पर भरोसा होता है, गाड़ी में एक लाल चुनरी बांध लेता है, अब लाल चुनरी बांध लिया उस पर भरोसा है, उसके टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है, उसके टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है। अब लाल चुनरी बांध लिया गाड़ी में, कभी गाड़ी में एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी कभी पंचर नहीं होगा, गाड़ी में किसी की मृत्यु नहीं होगी, आदमी की बुद्धि कैसे जटका गई? क्यों आप अपने जीवन को गलत दिशा की ओर ले जाती हैं? सद्गुरु कबीर का ज्ञान ऐसा करारा जवाब है। कल मैं इसलिए बहुत प्रकाश कई चीजों पर कहा मैं कि देवता भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं इस दुनिया में, इंसान के अलावा कोई देवता, इंसान के अलावा कोई भगवान ही नहीं। स्पष्ट उदाहरण बताऊं मैं, जब कोरोना की महामारी चल रही थी तो सारे भगवान के दरवाजे लॉक कर दिए गए थे, कोई भगवान का दरवाजा नहीं खुला था, एक ऐसा ही भगवान का दरवाजा खुला था जो कि सबका सहयोग किया, सबको जीवित किया। वो जानता था कि आदमी संक्रमित है, इसके पास जाऊंगा तो मुझे भी संक्रमित हो सकता है, मैं भी मर सकता हूँ, पर वो भगवान ने हम सबको जिंदा किया, वो इंसान रूपी भगवान, इंसान रूपी भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहा और उन लोगों ने इस दुनिया को बचा करके निकाल दिया, संक्रमित होने से बचा लिया कोरोना महामारी में। इंसान ही भगवान है। अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, अपने गुरु परंपरा पर भरोसा रखिए, अपने माता पिता पर भरोसा रखिए, अपने बाहों बल पर। सद्गुरु कबीर साहब इस तड़के से कहते हैं, करो बहिया बल आपनी छाण बिरानिया, जाके आंगन नदिया बहे क्यों सोकस मरे प्यास। तुम्हारे आंगन में नदी बह रही हो, तुम प्यासे मर रहे हो, ज्ञान का नदी बह रही है, बह रही है और तुम प्यासे मर रहे हो, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं। इसलिए जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग, आज भी जागने का अवसर है, आज भी जागने का अवसर है। पानी में मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। पानी में रह करके कोई मछली प्यासी हो, मुझे सुन करके हंसी आती है, हम सब भी तो वैसे प्यासे हैं, हम सब भी तो वैसे प्यासे हैं, जो प्यास से तड़प रहे हैं, सही ज्ञान की धारा बह रही है, उससे हम प्यावन पानी नहीं पी पा रहे हैं, इसलिए हम सबको आत्मज्ञान की जरूरत है और ऐसे ही विचार चाहिए जीवन को बदलने के लिए। आने वाली पीढ़ी को नए संस्कार दीजिए। आप लोगों से कल भी कहा था, कुछ छोटे मोटे सत्संग कथा कर लिया करो, घर में परिवार में, कर्म कांड से अपने को बचाइए, गुरुओं से जुड़िए, सही गुरु से जुड़िए, और सही गुरु का मतलब यह होता है उनका ज्ञान साफ हो, उनका आचरण साफ हो, उनके ज्ञान में कर्मकांड ना हो, उनके ज्ञान में पाखंड ना हो, वो गुरु सही गुरु है।
और ज्यादा प्रयास हो कि विरक्त संतों से जुड़िए, जो समाज के लिए जीते हैं, जो सिर्फ परिवार के दायरे पर मत बंधे हो, उन गुरुओं से जुड़िए, समाज के लिए जीते हो और जिनका ज्ञान और आचरण कर्मकांड से अच्छा हो, कर्मकांड ना हो, ज्ञान और आचरण अच्छा हो, ऐसे लोगों से जुड़िए तो निश्चित ही आपका बुढ़ापा सुखद होगा और आप सुखद बुढ़ापा की यात्रा करेंगे, आप सुखद बुढ़ापा की यात्रा करेंगे और सुंदर जीवन का निर्माण करेंगे और अपने जीवन को तराशते चले जाएंगे। और कभी इस विषय पर आप लोग सुनना चाहे तो हमारे आजकल यूट्यूब के माध्यम में उससे आप लोग सुन सकते हैं। आप लोग काफी देर से बड़े ध्यान से विचारों को सुने, आप लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद है। मैंने तीखी शब्दों का भी प्रयोग किया, ये मेरे शब्द नहीं है, प्रकृति का नियम को बताया है मैंने, मैंने अपने से बना करके नहीं कहा, मैं कोई चीज थोपना नहीं चाहता, इसलिए मैंने कहा, मैं कभी ये चीज नहीं कहूंगा कि मेरे से जुड़ो, मेरे से, हमारे संतों से, हमारे मेरे ही गुरुजनों से जुड़ो तो आपकी कल्याण हो जाएगा, मैं ये चीज नहीं कहूंगा, क्योंकि कल्याण कोई पदार्थ नहीं है कि जो मेरे से जुड़ने से मिल जाएगा, कल्याण आपकी मन की अवस्था है, मोक्ष आपकी मन की अवस्था है, आप मन को पवित्र करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, कल्याण मुक्ति, मुक्ति मुक्ति कोई पदार्थ नहीं है, आप जैसे जैसे जीवन जिएंगे वैसे वैसे मिलेगा। इसलिए मैंने सही सही जो चीज समझ में मेरी बुद्धि में जितनी आई मैं कहने का प्रयास किया और आप सभी को मैं अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ। और राम हमसे पहली बार कहना चाहिए इस जगह में आना हुआ और राम जन्म जी से पहली बार मुलाकात हुआ, यूट्यूब के माध्यम से कहीं से वो विचार सुने थे, उनको विचार अच्छा लगा तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो मैं कहा भी उनको कि हम इतना दूर से आएंगे, आपका बहुत काफी खर्चा हो जाएगा और नजदीक के लोगों को बुला लीजिए, मैंने एक दो बार कहा भी उनको, तो कहे हमारे नजदीक में कोई नहीं है, आप आ जाइए, तो उनके रिक्वेस्ट पर हम लोग यहाँ पर आए और मुझे अच्छा लगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप लोगों को मेरी बात कुछ अच्छी लग रही है, हमारे संतों की बात अच्छी लग रही है, आदरणीय संतों की, तो आप लोगों ने ध्यान से सुना, यहाँ आने के बाद कोई लौट करके नहीं गए, पूरा सब लोग कल भी और आज भी सुनते रहे, आप लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद, राम जन्म जी को अनेक अनेक धन्यवाद, जो कि अपनी निजी संपत्ति का कुछ अंश निकाल करके इस धर्म और परमार्थ के काम में लगाए और अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ऐसे काम आप सब भी करें और आप सभी की ओर से एवं संत समाज की ओर से राम जन्म जी को अनेक अनेक धन्यवाद और आप सभी को संत समाज की ओर से अनेक अनेक धन्यवाद। बोलिए सतगुरुदेव की जय।